Hello students, welcome to the Science EduTech. I am Ashish Singh, your science teacher. We are going to study about a very new topic. It's very interesting topic, and the name of this topic is Life and Survival of Plants. So before studying this topic, I have to say something, that this is the part one of this chapter, and after part one we have to study part two. इट मीन्स कि ये जितने भी, ये जो आपका चैप्टर है लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट, ठीक है, अब इस चैप्टर के नाम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस नाम को चर्चा करने से पहले आपको हम ये बता दें कि इस चैप्टर को जो हम कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को हम टोटल दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, है ना। पार्ट वन तो हमारा ये रहा, अब इस पार्ट वन को जो हम लोग खत्म करेंगे तो हम लोग पार्ट टू को भी पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, इस चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट आपको जानना है, सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन फॉर्म में, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, और हम दो वीडियो लेंगे, इसका पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको ये सारा टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। तो नेम से ही क्लियर होना चाहिए आपका कि इस चैप्टर का नाम है लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, समझिए। चलिए, तो किसी प्लांट के जीवन और उसके जीने के बारे में हमको बात करेंगे, क्योंकि प्लांट जो है उसका जीवन में, उसके लाइफ में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है, कि प्लांट अपने लाइफ को कैसे जीता है, कैसे सर्वाइव करता है, क्योंकि जितने भी प्लांट होते हैं, सारे प्लांट का रहने का जगह, जितने भी प्लांट होते हैं, सारे प्लांट का इंग्रेडिएंट, यानी किस टाइप के वो फूड को इनटेक करते हैं, सब कुछ अलग अलग है। किसी को ठंडा पसंद है, किसी को गर्म, अगर हम मौसम का बात करें, किसी को ठंडा मौसम पसंद है, किसी को गर्म मौसम पसंद है, कोई पानी में होता है। तो जितने भी प्लांट हैं हमारे, उनका अलग अलग किंगडम बटा हुआ है, उसका अलग अलग टाइप बटा हुआ है। किसके बेसिस पे भाई? तो वो लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से वो लोग टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, कितना टेम्परेचर उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए, है ना। तो अगर कोई प्लांट बर्फीले जगह पे हो रहा है, सपोज कीजिए, अगर कोई प्लांट रेगिस्तान में हो रहा है, अगर कोई प्लांट लैंड पे, नॉर्मल लैंड धरातल पे हो रहा है, अगर कोई प्लांट अगर आपका पानी में हो रहा है, तो इन प्लांट्स के पास अपने, इन प्लांट के बॉडी के अंदर अपना एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपना एक स्पेशल फीचर्स होता है, जिसके सहायता से वो लोग उस माहौल में ढलते हैं, वो लोग उस जगह पे रहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इन्हीं सब स्पेशल फीचर्स और इन्हीं सब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हम पार्ट वन में कौन कौन से टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग इस टोटल टॉपिक को, और इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, अदर टाइप ऑफ प्लांट और प्लांट के यूज, ठीक है, यानी कि प्लांट किस माहौल में रहते हैं, प्लांट के रहने का माहौल कैसा है, प्लांट के रहने का स्पेस कैसा है, प्लांट के रहने का जगह कैसा है, उसके बेसिस पे ये टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट को हम डिवाइड कर किए हुए हैं। तो इस टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लांट के अदर टाइप को पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स के यूज को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अक्सर आप लोग मेरे क्लास में देखे होंगे कि हम इंट्रोडक्शन से ही अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बेसिक आपको मिल जाता है, आपको इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाता है कि आप लोग इस पूरे पार्ट में, इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। और ये जरूरी है, अगर हमको पहले से ये पता हो
स्टूडेंट्स की अगर हमको पहले से पता हो कि हमको क्या क्या पढ़ना है तो वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है और वो सारी चीज़ों को पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो इंट्रोडक्शन इसीलिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट कहिए तो आपका एक ओवरव्यू दे देता है कि आपको इस आने वाले पार्ट वन में या आने वाले पार्ट टू में कौन कौन सी बातें आपको जाननी है। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेस, दे हैव डिफरेंट फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दोज एरियाज। कह रहा है कि जिस प्रकार से ह्यूमन बींग या एनिमल्स लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में आते हैं, उसी प्रकार से प्लांट्स और ट्रीज भी लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में आते हैं। एनिमल्स अपने जंगलों में, अपने गुफाओं में रहते हैं, हम इंसान अपने घरों में रहते हैं, तो प्लांट्स भी अपने अपने प्लेस पर रहते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं वो लोग अपने ग्रोथ के लिए डिफरेंट प्लेस में को चूज करते हैं या डिफरेंट प्लेस में रहते हैं, और उन सारे प्लेस में रहने के लिए उनके पास अपना अपना फीचर्स होता है, उनके पास अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनके पास अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस प्रॉपर्टीज या जिस फीचर्स के हेल्प से वो उस तरह के प्लेस में अच्छे से रह पाते हैं या उस तरह के प्लेस के क्लाइमेट को, उस तरह के प्लेस के टेम्परेचर को, उस तरह के प्लेस के वेदर को वो लोग क्या कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना अपना एक स्पेशल फीचर्स है ना। अब देखिए, द स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस आर नोन एज एडेप्टेशंस। वो सारे स्पेशल फीचर्स जो किसी प्लांट को एक खास प्रकार के प्लेस में रहने के लिए अलाउ करता हो, ठीक है, वो सारे स्पेशल फीचर्स जो किसी प्लांट को एक खास प्रकार के प्लेस में रहने के लिए अलाउ करता हो, यानी कि उस प्लेस में अगर कोई प्लांट रहता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेशल फीचर्स के कारण वो रह पाता है, उस स्पेशल फीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस कहते हैं, उस स्पेशल फीचर्स को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। अगला है, द रीजन वेयर अ लिविंग थिंग्स लिव्स और ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। इसको वास कहते हैं, प्राकृतिक वास। कि अगर कोई लिविंग थिंग्स, ठीक है, किस जिस रीजन में भी वो रहते हैं, प्रकृति के द्वारा उनको जिस रीजन में रखा गया है, प्रकृति के द्वारा उसको जिस रीजन में ग्रो कराया गया है, वो रीजन जिसमें वो रहते हैं, जिसमें वो ग्रो करते हैं, वो रीजन ही उनका हैबिटेट कहता है। हैबिटेट में एक और वर्ड जुड़ा है, समझिएगा, नेचुरली इस पे फोकस कीजिएगा। नेचर के द्वारा किसी खास प्रकार के लिविंग थिंग्स को किस टाइप ऑफ रीजन में या किस पार्टिकुलर प्लेस में, किस पार्टिकुलर एरिया में रखा गया है, उस पार्टिकुलर एरिया को, उस पार्टिकुलर रीजन को, उस पार्टिकुलर प्लेस को हम लोग हैबिटेट बोलेंगे, जिसका हिंदी होता है प्राकृतिक वास, है ना, कि प्रकृति के द्वारा किसी लिविंग थिंग्स को किस जगह पे रखा गया है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। तो देखिए, हैबिटेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट और अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, प्लांट्स को हम लोग कितने टाइप में, दो टाइप में डिवाइड किए हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। यानी कि किस जगह पे कोई प्लांट रह रहे हैं, प्लांट कौन से प्लांट किस पार्टिकुलर रीजन में रहते हैं, कौन से प्लांट किस पार्टिकुलर रीजन में अपने आप को ग्रो करते हैं, इसके बेसिस पे प्लांट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसका नाम है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। तो अब आइए हम लोग वन बाई वन इस टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को भी हम लोग जानेंगे। ना स्टूडेंट्स, अब देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जो जमीन पे, लैंड पे, धरातल पे रहते हो, या धरातल पे ही अपने आप को ग्रो करते हो, अपने आप में वृद्धि करते हो, अपने आप में डेवलपमेंट करते हो, उस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो आपके अलग अलग रीजन में आपके पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट तो खुद आपका हैबिटेट के अनुसार फर्स्ट टाइप है।
अब टेरेस्ट्रियल प्लांट खुद बहुत सारे टाइप्स में बटेगा, जैसे वैसे प्लांट्स जो माउंटेन्स पर रहते हों, वैसे प्लांट जो फॉरेस्ट में पाए जाते हों, वैसे प्लांट जो प्लेन लैंड में पाए जाते हों, वैसे प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हों, ठीक है, वो सारे को हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट ही बोलेंगे, उस सारे को हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट ही बोलेंगे, ठीक है। अब इन प्लांट इन ये सारे जगह जो होते हैं इनके पास अपना अपना सॉइल की क्वालिटी होती है, इनके पास अपना अपना क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, क्लाइमेटिक आपका अपना अपना इनके पास जो भी नेचर है क्लाइमेट का अपना होता है, किसी का सेम नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो सॉइल का क्वालिटी, मिट्टी की जो क्वालिटी माउंटेन पे होगी वो क्वालिटी फॉरेस्ट में नहीं होगी, जो क्वालिटी मिट्टी की फॉरेस्ट में होगी वो प्लेन पे होगी या नहीं होगी, और डेजर्ट की जो मिट्टी की क्वालिटी है वो इन तीनों में नहीं होगी, वो प्लेन, फॉरेस्ट और माउंटेन तीनों में ही होगी। तो जो हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इस टेरेस्ट्रियल प्लांट को हम लोग माउंटेन, फॉरेस्ट, प्लेन्स और डेजर्ट इस चार टाइप में डिवाइड किए। अब इस चारों टाइप में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो सिर्फ इन्हीं में पाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि माउंटेन्स पे जो प्लांट पाए जाते हैं वो फॉरेस्ट, प्लेन और डेजर्ट में नहीं हो पाएंगे, और उनको उठा के आप ला के लगाते भी हो तो नहीं हो पाएंगे। अगर जो प्लांट आपके घने जंगलों में, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो माउंटेन और डेजर्ट पे तो नहीं हो पाएंगे, प्लेन में भले हो जाए या नहीं भी हो। जो समतल धरातल पे प्लेन में जो प्लांट होते हैं वो डेजर्ट में, फॉरेस्ट में और माउंटेन में नहीं हो पाएंगे। क्यों? अब रीजन इसका इसलिए है क्योंकि माउंटेन, फॉरेस्ट, प्लेन और डेजर्ट इनका जो सॉइल का क्वालिटी है अलग अलग है, इनका जो क्लाइमेट का क्वालिटी है अलग अलग है। अब अगर मान लीजिए कोई प्लांट माउंटेन पे हो रहा है तो माउंटेन के ही सॉइल के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर चुका है, माउंटेन के ही क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर चुका है, अडेप्ट कर चुका है, ठीक है। तो इसीलिए वो सिर्फ माउंटेन पे होगा, फॉरेस्ट, प्लेन और डेजर्ट में नहीं होगा। और ये सारी चीजें फॉरेस्ट, प्लेन और डेजर्ट में भी यही होती है कि जो प्लांट फॉरेस्ट में है वो फॉरेस्ट के सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन को एक्वायर किए हैं, जो प्लेन पे है वो आपके प्लेन के सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन को एक्वायर किए हैं, जो डेजर्ट में है वो डेजर्ट के सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन को एक्वायर किए हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस, टेरेस्ट्रियल प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, प्लांट्स इन डेजर्ट, प्लांट्स इन हिल्स, प्लांट्स इन मॉसेस एंड प्लांट्स इन प्लेन्स, ठीक है। तो जो हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, इस टेरेस्ट्रियल प्लांट के अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के सॉइल और अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन होने के चलते हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट को फिर से चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे प्लांट जो डेजर्ट में होते हो, वैसे प्लांट जो पहाड़ी क्षेत्र यानी हिल्स पे होते हो, वैसे प्लांट जो दलदल में, मासेस में होते हो, और वैसे प्लांट जो समतल भूमि यानी कि प्लेन्स में होते हो। तो इन सारे प्लांट्स के कैटेगरीज को एक साथ टेरेस्ट्रियल में रखेंगे और इस टेरेस्ट्रियल को इन चार कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। अब वन बाई वन करके हम लोग इस टेरेस्ट्रियल प्लांट के सारे कैटेगरीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग अपने टेरेस्ट्रियल प्लांट की फर्स्ट कैटेगरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्लांट्स इन डेजर्ट। प्लांट्स इन डेजर्ट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स व्हिच ग्रोज और लिव इन डेजर्ट। देखिए, वैसे प्लांट जो डेजर्ट में रहते हो, सबसे पहली बात कि डेजर्ट जो है वो बहुत ही हॉट और ड्राई क्षेत्र है, बहुत ही गर्म और सूखा क्षेत्र है। आपके डेजर्ट में बहुत ही कम प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए रेन और वाटर की आवश्यकता होती है, और डेजर्ट में जो आपका रेनफॉल होता है बहुत ही मिनिमम, बहुत ही आपका कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके चलते डेजर्ट में बहुत ही कम प्लांट्स का ग्रोथ होता है, ठीक है। अब अगर सॉइल से वाटर को ऑब्टेन करना है, ठीक है, टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड टू प्रिवेंट वाटर लॉस, डेजर्ट प्लांट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। अब समझिए कि अगर कोई प्लांट को डेजर्ट में उपजना है या डेजर्ट में ग्रो करना है, तो उस प्लांट के अंदर कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो नॉर्मल अगर आपसे हम एक बात पूछें कि अगर
कोई चीज जल्दी जल्दी खत्म होने वाला हो, कोई चीज अगर आप ही घर में कुछ खाने का चीज रखे हैं, ठीक है, सब आप बच्चे हो, आप ये चीज ऐसे समझ पाओगे, कोई बिस्किट है या कोई भी आपका फूड इंग्रेडिएंट है जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको बहुत पसंद है, तो आप लोग क्या करते हो, उसको बचा बचा के खाते हो कि वो जल्दी खत्म ना हो जाए, जल्दी खत्म ना हो जाए। तो डेजर्ट में किसकी कमी है, वाटर की। तो जो भी प्लांट आपके डेजर्ट में ग्रो होंगे उनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो लोग वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, वो लोग अपने बॉडी से वाटर को निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि जितना वाटर उनके बॉडी के अंदर रहेगा उतना ही अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगे, उतना ही अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो उनके अंदर वो कौन सा ऐसा स्पेशल फीचर होता है जिससे वो अपने बॉडी से वाटर के लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोक लेते हैं, अपने बॉडी के वाटर को लॉस को बचा लेते हैं, कम कर देते हैं, तो उस फीचर्स के बारे में समझना है। तो दे आइदर हैव वेरी फ्यू लीव्स और नो लीफ एट ऑल, इन सच प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय ग्रीन स्टेम इटसेल्फ। जो भी प्लांट आपके डेजर्ट में होते हैं इनके पास या तो पत्ते होते ही नहीं है या ये बहुत कम पत्ते होते हैं, जिसके चलते वहां से ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस नहीं होता है और पत्तों के अंदर से जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर नहीं निकलता है। अब रही बात कि अगर पत्ते नहीं होंगे तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होगा। तो अगर डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स के अंदर लीव्स या लीफ बहुत कम लीव्स होते ही नहीं है तो उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो उनके हरे भरे स्टेम के कारण होता है, क्योंकि जो प्लांट आपके डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं उनका पूरा बॉडी ही ग्रीन होता है, नीचे से लेकर पूरा सूट सिस्टम जो होता है उनका ग्रीन होता है। दे हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स, स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड दस प्लांट्स रिटेन वाटर। पत्तों की जगह पे इनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, नुकीला नुकीले कांटे होते हैं। अब कांटे क्या करते हैं कि वाटर के लॉस को बॉडी से बाहर जो वाटर वाटर वेपर बन के निकल जाता है तो वाटर के लॉस को वो लोग कम करते हैं, जो कांटे होते हैं वो लोग वाटर के लॉस को क्या करते हैं, कम करते हैं। अगला है दे हैव थिक एंड फ्लेसी स्टेम्स दैट कैन स्टोर वाटर। इनके जो इनका जो स्टेम है, इनका जो आपका तना होता है बहुत ही ठीक मोटा होता है और बहुत ही फ्लेसी होता है, बहुत फ्लेश कंटेनिंग गुद्देदार इनका स्टेम होता है, ताकि ज्यादा मात्रा में वाटर कोई लोग क्या कर सके, अपने अंदर स्टोर कर सके। फिर आपका है दे हैव लॉन्ग रूट दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। इनका जो रूट होता है बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गया होता है, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाने का मेन रीजन है ताकि जितना नीचे जाएंगे उतना इनको वाटर से कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा, और ज्यादा मात्रा में जब वाटर का कांटेक्ट होगा तो इनके बॉडी में वाटर का ट्रांसफर भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए, सम कॉमन प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट आर कैक्टस, प्रिकी पियर, डेट पाम, ठीक है। अब देखिए, ये कैक्टस आप लोग इधर भी देखे होंगे, अब कैक्टस का जो प्लांट है पूरा बॉडी ग्रीन ग्रीन है, पूरा बॉडी जो है वो ग्रीन ग्रीन है, ये भी आप देखिए, इधर भी देखिए, पूरा बॉडी जो है वो ग्रीन ग्रीन है, इनमें लीफ बिल्कुल नहीं है, लीफ की जगह पे क्या है, कांटे हैं, लीफ की जगह पे क्या है, कांटे हैं, देख सकते हैं आप लोग, लीफ की जगह पे क्या है, इनका जो लीफ है वो आपका बहुत ही नुकीला नुकीला है, आपका फ्लैट लीफ नहीं है, लीफ की जगह पे क्या है, कांटे हैं। तो मेन रीजन है कि कांटे होने का मेन रीजन है कि लीफ से जो आपके ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है और जो वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, और ये जो स्पाइन होते हैं ये स्पाइन वही काम करते हैं कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, वाटर के लॉस को ये लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब लीफ होता ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो भाई, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीफ का ही हो सकता है, ना ना ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए आपको लीफ का आवश्यकता नहीं है, क्लोरोफिल का आवश्यकता है, ग्रीन पिगमेंट का आवश्यकता है। तो ये ग्रीन पिगमेंट जो होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, तो वो लोग इस वो क्लोरोफिल जो होते हैं ये इस ग्रीन स्टेम के अंदर भी होते हैं, तो ये ग्रीन स्ट्रीम के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, अपने फूड का प्रिपरेशन कर लेते हैं और उस फूड से ये लोग क्या करते हैं, एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, ठीक है। तो ये था कहानी कुछ वैसे प्लांट्स के बारे में जो डेजर्ट पे रहते हो, ठीक है।
अब वैसे प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में माउंटेन्स पे जो रहते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ लेट्स सी, ठीक है, प्लांट्स इन हिल्स, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले प्लांट। प्लांट डेट ग्रो इन हिल्स एरियाज एंड माउंटेन्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशंस। देखिए, अब जितना भी आप पहाड़ी क्षेत्रों में, जितना भी आप ऊपर की तरफ पहाड़ पे बढ़िएगा तो ठंडी बढ़ते जाती है, तो यहाँ के प्लांट्स को अपने आप को इस प्रकार से अडेप्ट करना होगा, अपने अंदर ऐसे स्पेशल फीचर्स को लाने होंगे जिससे वो कोल्डनेस से, ठंड से क्या कर सके, जूझ सके और ठंड को टॉलरेट कर सके। तो जो आपके हिल्स में या माउंटेन्स में जो भी प्लांट्स क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल फीचर्स होता है जिसके चलते वो लोग कोल्ड को क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। अब उसी स्पेशल फीचर्स के बारे में हम लोग को जानना है। तो स्पेशल फीचर जो होता है कि उनका जो लिप्स होता है वो नीडल लाइक शेप का होता है, नुकीला उनका लिप्स होता है, वैक्स कोटिंग होता है, ठीक है, दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेज होते हैं विच नो स्लाइड्स ऑफ इजिली, दिस ट्रीज हैव कॉन्स इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स, दिस ट्रीज सच एज पाइन सेडर फेयर। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो इनका जो लिप्स है वो नीडल शेप का होता है, ठीक है, आपको हम दिखाते हैं नीडल शेप का जो लिप्स है, यहाँ देखिए, ठीक है, इधर देखिएगा अगर, तो ये आपका जो लिप्स है वो कुछ इस प्रकार से नीडल शेप का आपका लिप्स होता है, नीडल शेप का लिप्स होता है, ठीक है। फिर आपका आता है इनके लिप्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग रहता है, इनके लिप्स के ऊपर वैक्स का कोटिंग रहता है, साथ ही साथ इनका जो ब्रांच होता है वो स्लोपिंग नेचर का होता है, इनका जो ब्रांच होता है स्लोपिंग। अच्छा, मेन रीजन जो होता है ब्रांच को स्लोपिंग नेचर का होने का, पहले ये समझिए कि जो हिली स्टेशन और माउंटेन क्षेत्र के जो प्लांट होते हैं इसका जो ब्रांच होता है स्लोपिंग क्यों होता है। स्लोपी होने का नेचर है कि ऊपर की आपका अक्सर जो हिल स्टेशंस होते हैं या जो माउंटेन्स होते हैं तो वहां पे स्नोफॉल होता है। अब स्नोफॉल अगर होगा तो पूरे प्लांट को ढक लेगा, और पूरे प्लांट को अगर ढक लेगा तो प्लांट के ऊपर वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो वो लोग टूट सकते हैं, और साथ ही साथ स्नो के चलते प्लांट का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा जिससे उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रकृति ने उसका बनावट किया है, उसके स्ट्रक्चर का बनावट किया है कि वो बिल्कुल इस स्लोप नेचर का होता है, और जब स्लोप नेचर का होता है तो जो भी उसके ऊपर स्नोफॉल होता है वो स्लिप करके नीचे आता है, जब स्नोफॉल स्लिप करके नीचे आता है तो उसके उस प्लांट के बॉडी के ऊपर कोई स्नो आपका नहीं बैठ पाता है जिससे वेट कम होता है प्लांट का, और प्लांट के टेम्परेचर भी उतना हाई नहीं हो पाता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल जो आपके हिल स्टेशंस और माउंटेन्स एरिया में होते हैं, तो पाइन ट्री, ठीक, सेडर, ये सब जो आपके प्लांट्स हैं या ये सब जो आपके ट्री है ये आपका माउंटेन और हिल स्टेशन पे होता है। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट है प्लांट्स इन मासेस। मासेस का मतलब होता है दलदल। मासेस का मतलब क्या होता है? दलदल। देखिए, तो मासी प्लेस हैव स्टिकी एंड क्ले सोइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। सबसे पहले कि मासी जो या दलदल वाली जगह है इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो जो दलदल वाले जगह है इनके पास जो मिट्टी होती है वो क्लेई होती है और बहुत ही चिपचिपा होती है, तुरंत चिपक जाने वाली मिट्टी होती है ना, हमेशा चिपक जाने वाली मिट्टी होती है, साथ ही साथ वाटर का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तो दलदल है। वाटर और आपकी मिट्टी, वो भी खास करके क्लेई सॉइल, तो जब क्लेई सॉइल वाटर के साथ मिक्स होता है तो दलदल बनना आपका बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्लेई सॉइल और वाटर के मिक्सचर के चलते ये पूरा प्लेस कैसा बन जाता है, ये पूरा प्लेस आपका दलदल बन जाता है, ठीक है। अब इस तरह के एरिया को हम लोग स्वैम्प भी कहते हैं, ठीक है। द रूट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन द मासेस आर अनेबल टू गेट एयर, देयरफॉर द रूट ऑफ दिस प्लांट्स कम आउट ऑफ वाटर एंड सॉइल टू ब्रीद, सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स एंड प्लांट्स आर नोन एज मैनग्रोव्स। प्लांट्स आर नोन एज मैनग्रोव्स। देखिए, ध्यान दीजिए इस सारे पिक्चर पे, आप लोग ध्यान दें इस सारे पिक्चर के रूट्स पे, अगर आप लोग ध्यान देते हैं रूट्स पे तो सारे पिक्चर का रूट्स जो है वो इस प्लांट और सॉइल को छोड़ के बाहर निकला है। बाबू ध्यान दो, इस प्लांट को और सॉइल को छोड़ के सारे जो ये है बाहर निकले हुए हैं। बाहर निकलने का मेन रीजन ये है कि दलदल में अगर इनका रूट पड़ा हुआ रहेगा
तो ज्यादा मात्रा में पानी या ज्यादा मात्रा में सॉइल से दब जाने के चलते इनका इनके रूट में एयर नहीं जा पाता है, इनका जो रूट है वो एयर को ट्रैप नहीं कर पाता है, एयर को गेट नहीं कर पाता है। तो इसका रूट जो है वो प्लांट से या वाटर से या सॉइल से बाहर निकल जाता है ब्रीदिंग के लिए। अब इस तरह के रूट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। और इस तरह के प्लांट्स को जो होते हैं हम लोग क्या कहते हैं, मैनग्रूव्स कहते हैं। तो समझिए क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो आपके प्लांट्स स्वैम्स में या मासेस में रहते हैं उनका रूट जो है वो वाटर और सॉइल को छोड़ के बाहर निकलता है ताकि वो फ्रीली ब्रीद कर सके, फ्रीली एयर को अपने अंदर क्या कर सके, इनटेक कर सके। और इस तरह के रूट को हम लोग ब्रीदिंग रूट कहेंगे और प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, मैनग्रूव्स कहेंगे। ठीक है, तो मैनग्रूव्स स्पेशली द सुंदरबंस मैनग्रूव्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। ठीक है, मैनग्रूव्स और खास करके कौन से मैनग्रूव्स, सुंदरबंस यानी सुंदरबन डेल्टा में पाए जाने वाले जो मैनग्रूव्स हैं वो इस टाइप ऑफ प्लांट के एक स्पेशल क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट है हम लोग का प्लांट्स इन प्लेन्स, यानी समतल भूमि में जो भी प्लांट्स होते हैं, समतल धरातल पे जो भी प्लांट्स आपके ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, इनके अंदर वो कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे ये क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम क्लाइमेट का बात करें तो प्लेन्स का क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट होता है। क्लाइमेट जो होता है अगर इसका हम बात करें तो क्लाइमेट जो है मॉडरेट नेचर का है। मॉडरेट का मतलब होता है कि ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। ना ही ज्यादा गर्म यानी कि इतना ज्यादा गर्म नहीं जितना डेजर्ट में होता है। डेजर्ट में जो आपका क्लाइमेट गर्म क्लाइमेट होता है तो उतना भी ज्यादा गर्म नहीं जितना डेजर्ट में होता है, और उतना भी ज्यादा ठंडा नहीं जितना हिली एरियाज में होता है। तो ये टेम्परेचर जो होता है प्लेन्स में नॉर्मल होता है, मॉडरेट नेचर का होता है। साथ ही साथ प्लेन्स में अगर हम वर्षा का बात करें, रेनफॉल का बात करें, ये भी आपका नॉर्मल होता है, मॉडरेट होता है, ना ही कम वर्षा होती है ना ही बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो अगर इस क्षेत्र के ट्रीज का हम बात करें तो इस क्षेत्र के जो ट्रीज होते हैं इनके पास पतला और चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, थिन और चौड़े पत्ते हैं, और साथ ही साथ ये इनके पास एबिलिटी होता है कि सनलाइट को ज्यादा मात्रा में सनलाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं। साथ ही साथ ये लोग अपने किसको, लीव्स को विंटर सीजन में क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। ये लोग अपने लीव्स को विंटर सीजन में शेड कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरह के प्लांट का जो एग्जांपल है वो मैंगो, बनियान ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री। ठीक है, ये आपके कहाँ होते हैं, प्लेन में होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लेन का जो क्लाइमेट है ना, प्लेन का क्लाइमेट वो डेजर्ट से और ये हिली स्टेशन से अलग अलग है, क्योंकि डेजर्ट में क्लाइमेट बहुत ही हॉट होता है। डेजर्ट में जो क्लाइमेट होता है बहुत ही हॉट होता है, हिल स्टेशन पे जो क्लाइमेट होता है बहुत ही ठंडा होता है। तो इन दोनों के क्लाइमेट के बीच वाला जो क्लाइमेट है वो होता है प्लेन्स पे, कि प्लेन्स का जो क्लाइमेट है ना ही ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा हॉट होता है, और प्लेन का जो क्लाइमेट है वो ना ही ज्यादा ठंडा होता है। प्लेन में क्लाइमेट तो मॉडरेट होता ही है, साथ ही साथ प्लेन में रेनफॉल जो होता है वो भी आपका क्या होता है, मॉडरेट होता है। रेनफॉल का मतलब कि वर्षा ना ही बहुत ज्यादा होती है ना ही वर्षा बहुत कम होती है। इसीलिए प्लेन्स में जो आपकी ट्रीज होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, बहुत यूज होते हैं और बहुत ज्यादा डेवलप और ग्रोथ होते हैं, क्योंकि सारा चीज नॉर्मल है, सारा मॉडरेट है, ना ही ज्यादा टेम्परेचर ना ही कम टेम्परेचर, ना ही ज्यादा रेनफॉल ना ही कम रेनफॉल। ठीक है, तो एक प्लेन्स के जो आपके ट्रीज होते हैं इसमें उनके लिप्स के पास सनलाइट को कैप्चर करने का हाई एबिलिटी होता है। अच्छा एक बात बताइए कि कोई लिप्स अगर सनलाइट को ज्यादा मात्रा में कैप्चर कर रहा है इसका मतलब कि उस लिप्स का सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा लिप्स का पत्तों का उतना ही ज्यादा उसके पास क्लोरोफिल होगा, उतना ही ज्यादा उसके पास स्टोमाटा होगा। तो
उसके पास एबिलिटी टू कैप्चर सनलाइट और एबिलिटी टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। अब ज्यादा मात्रा में अगर सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की एबिलिटी है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज्यादा और फूड का प्रिपरेशन भी ज्यादा, इसलिए इनका बॉडी जो है इतना बड़ा बड़ा, इनका बॉडी जो है इतना ह्यूज अमाउंट में, इतना ह्यूज साइज में इसका बॉडी होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पीपल ट्री, पीपल के पेड़ को, तो ये मत समझिएगा कि ये इतना छोटा होता है, नहीं नहीं, ये गमले में रखा गया तो इतना छोटा होता है, लेकिन बहुत विशाल होते हैं ये भी, बहुत ही ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो गमला में रखा गया इसीलिए वो आपको छोटा दिख रहा हो, ठीक है। तो हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सॉरी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को पढ़ें कि सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की इंट्रोडक्शन को देखें कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हम कहते किसको है। तो वैसे प्लांट्स जो धरातल पे रहते हो, जो लैंड पे रहते हो, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि वो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का अपना अपना क्लाइमेट और उस क्षेत्र का अपना अपना सॉइल टाइप, तो उसके बेसिस पे हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट को भी चार पार्ट में डिवाइड किए, प्लांट्स इन डेजर्ट, प्लांट्स इन हिल्स, प्लांट्स इन मासेस और स्वैम्प्स, और लास्ट हम लोग देखे थे प्लांट्स इन प्लेन्स। अब हम लोग देखने आ रहे हैं अपने रीजन और हैबिटेट के अकॉर्डिंग और हैबिटेट के बेस पे बांटे गए दूसरे प्लांट्स के टाइप को, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि ये हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बाद का टॉपिक है एक्वेटिक प्लांट। अब एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब ही होता है रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू वाटर। ऐसे ऐसे प्लांट्स जो वाटर या वाटर बॉडीज में अपने आप को ग्रो करते हो, अपने आप को डेवलप करते हो, उस तरह के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो अपने आप को वाटर में ही ग्रो कराते हैं, वाटर में वो लोग रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं बाबू, तो एक्वेटिक प्लांट पॉन्ड्स में, तालाब में, लेक्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, झरनों, आपका झरनों में, नदियों में, ठीक है, झीलों में ये लोग क्या करते हैं, महासागरों में, समुद्रों में ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को ग्रो कराते हैं। अब जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ये भी तीन तरह के होते हैं, एक्वेटिक प्लांट भी तीन तरह के होते हैं। जैसे हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट कितने तरह के था, टेरेस्ट्रियल प्लांट तीन टाइप का था, डेजर्ट का, इसका हिल्स का, और मासेस का, और स्वैम्प्स का, और प्लेन्स का। उसी प्रकार एक्वेटिक प्लांट भी तीन प्रकार के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट। तो अब ये जो आपका एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। अभी हम लोग इस पूरे पार्ट को किसको समर्पित किए थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट को। टेरेस्ट्रियल प्लांट का इंट्रोडक्शन से लेके टेरेस्ट्रियल प्लांट के टाइप और उन सारे टाइप्स के एक्सप्लेनेशन को हम लोग इसमें देखे थे, ठीक है, कि टेरेस्ट्रियल प्लांट कितने टाइप के होते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या क्या होते हैं। अब हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जाने, एक नॉर्मल सा इंट्रो जाने किसका, एक्वेटिक प्लांट्स का, कि एक्वेटिक प्लांट्स होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर बॉडीज में अपने आप को लिव कराते हो या अपने आप को ग्रो कराते हो, तो उस तरह के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। तो ये पूरा टॉपिक इस पार्ट में हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में और एक्वेटिक प्लांट के इंट्रोडक्शन के बारे में, और एक्वेटिक प्लांट के तीन टाइप होते हैं जिसका नाम है फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट और अंडरवाटर प्लांट। अब जैसे आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट को बांटने का अपना एक रीजन था कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग, सॉइल का टाइप अलग अलग, उसी प्रकार एक्वेटिक प्लांट्स को भी बांटने का अपना एक रीजन है। तो अब इस रीजन को और इस तीनों टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट टू में कवर करेंगे या पार्ट टू में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप और हम दोनों लोग इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसी टॉपिक के, यानी कि जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, इसी टॉपिक के सेकेंड पार्ट में। तब तक आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए, जुड़े रहिए हम लोग से।